हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। आप लोग का आज मैंने बताया था 3 बजे आप लोग को ऑनलाइन एक सेशन दूंगा, लाइव सेशन दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग का पता ही है इंडिया में कोरोना वायरस के कारण मैं आप लोग का क्लास नहीं करा पा रहा। जितने भी आप लोगों के कांस्टेबल के क्लास है, SI के क्लास है, WBCS के क्लास है, इवन टेट एंड SCDCL का क्लास है, सौरभ सा हाई देख तु ही बोलसली आस्ते वसलम ना फर्स्ट तु ही कैंडिडेट चले असली, तो हाई सौरभ सा। तो उसके लिए मैं आप लोग का आज लाइव क्लास करा रहा हूँ। ये आप लोग का करेंट अफेयर्स के ऊपर होगा। यहाँ पे मैं टोटल टॉप 100 करंट अफेयर्स लेकर आया आप लोग का फेबरी मंथ का। अगर आप लोग को ये तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग आप नए जुड़ रहे हो आप लोग अपने के साथ भी शेयर की दीजिए, ताकि वो लोग भी आप लोग का ज्वाइन हो सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं पूरा स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग का पूरा अराउंड 100 आप लोगों के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। पूरा आप जितने भी फेबरी मंथ में इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं या टॉपिक्स हुए हैं, अवार्ड्स हुए हैं, जितने भी हुए हैं, सबको मैं आप लोग को बता दूंगा। तो थोड़ा सा वेट करता हूँ, और एक मिनट जब तक सब लोग आ जाए, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि मेरे कैंडिडेट देन मेरे स्टूडेंट्स सब लोग, उन्होंने बोला है सर प्लीज़ लाइव क्लास कीजिए, हम लोग आपका क्लास नहीं कर पा रहे हैं ये क्लास, इसके वजह से जो आप लोग का अभी कोरोना वायरस चल रहा है, इसके कारण। आप लोग अच्छी तरह से अपने रूम पर ही रहिए, अपने घर पर ही रहिए, और सब अच्छी तरह से रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो रिंटू दे, हेलो, रुको इसको बड़ा करो। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो करंट अफेयर्स आप लोग का जो फेबर मंथ का, इसमें टॉप 100 टॉपिक्स में लेके आया हूँ। तो सबसे पहला जो है, यहाँ पे पूरा नंबरिंग वाइज है, तो नंबरिंग वाइज आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नो व्हीकल डे ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ये कौन सेलिब्रेट करेगा? ये राजस्थान गवर्नमेंट सेलिब्रेट करेगा। तो करेक्ट यहाँ पे जितने भी आप लोग के हैं सब MCQ बेस्ड नहीं है, जितने भी आते हैं आप लोग के MCQ बेस्ड में कराता हूँ, बट ये MCQ बेस्ड नहीं है, ये वन लाइनर्स हैं। तो वन लाइनर में क्या होगा, जस्ट आप लोग का एक लाइन में यहाँ पे एक इवेंट का नाम या अवार्ड का नाम या कुछ भी रहेगा टॉपिक, उसका यहाँ पे एक जस्ट एक वर्ड या दो वर्ड में आप लोग का आंसर रहेगा। तो इसे बोलते हैं वन लाइनर। तो नो व्हीकल डे हम लोग फर्स्ट मंथ में राजस्थान गवर्नमेंट इसे सेलिब्रेट करेगा। देन नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड ने सबसे स्मॉलेस्ट गोल्ड कॉइन जो मिंट किया, सबसे स्मॉलेस्ट गोल्ड कॉइन बनाया स्विट्जरलैंड कंट्री ने। देन नेक्स्ट आप लोग का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस, ग्रीस की अभी तक कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं हुई थी, इस बार फर्स्ट टाइम हुई है, वो है कैटरीना। अब ये पूरा नाम पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत ही कंफ्यूजिंग नाम है, तो आप जस्ट कैटरीना पढ़ के रखिए तो ही चलेगा। देन नेक्स्ट है UK का अभी नया, सो जो आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आप लोगों के सुधार बता रहे, जितने भी सब कुछ हुए नया, अभी उन लोगों का इलेक्शन हुआ था, उसमें बोरिस जॉनसन आप लोग के प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे। अब जो UK के फिनेंस मिनिस्टर है वो एक इंडियन है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम जिसे बोलते हैं, UK के फिनेंस मिनिस्टर अभी ऋषि सुनक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का फिफ्थ, मनप्रीत सिंह जो हॉकी के कैप्टन थे, वो इंडिया की तरफ से फर्स्ट एक अवार्ड जीते। वो क्या अवार्ड है आप लोग का? FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। ये क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का प्लेयर ऑफ द ईयर इन्होंने फर्स्ट टाइम जीता, कोई इंडियन ने जीता, इसके पहले कोई भी इंडियन जीते नहीं थे। द नेक्स्ट है आप लोग का सिक्स नंबर, ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ये किरण मजुमदार शॉ को दिया गया। ये कौन है? बियाकॉन की फाउंडर है। देन सेवेंथ, प्रेसिडेंट कन्फर्ड इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी, ये इंडिविजुअल के लिए दिया गया, NS धर्मशक्तु को, और इंस्टीट्यूशन कैटेगरी के लिए दिया गया, लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया को दिया गया था। द नेक्स्ट है एट, कोबे ब्रायंट का डेथ हो गया, ये अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर हैं, और जैसे आप लोग का हमारे यहाँ पे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जाना पूछे जाते हैं आप लोग का सचिन एंड विराट कोहली, वैसे ही वहाँ पे बास्केटबॉल में ये कोबे ब्रायंट थे। द नेक्स्ट है नाइन्थ, सिर्फ भोजन मील फॉर पुअर फॉर ₹10, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, एकदम सेम टू सेम वैसा ही चीज़ आप लोग का किसान मजदूर किसान मजदूर कैंटीन, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। देन नेक्स्ट है टेंथ, यूनाइटेड नेशंस मोस्ट फेमस टीनेजर इन वर्ल्ड, ये जो है डिकेड की रिव्यू में ये किसे बताया गया, यूनाइटेड नेशन ने मलाला यूसुफ़ज़ई को दिया, और ये यंगेस्ट नोबेल ल्यूरेट है, इन्हें पीस के लिए नोबेल प्राइज मिला था कैलाश सत्यार्थी के साथ 2014 में। देन नेक्स्ट 11th, हर्षवर्धन सिंगला ये इंडिया के नए आपके फॉरेन सेक्रेटरी है। 12th, इंडियाज मोस्ट सर्च बिजनेस टाइकून, ये गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च किसे किया गया, इंडिया के तरफ से रतन टाटा को किया गया। देन नेक्स्ट है 13th, द ऑथर ऑफ द बुक डायमंड इन माई पाम, यानी कि हथेली में आप लोग का जो डायमंड उसे बोलते हैं डायमंड इन माई पाम, ये संजय द्वारकर ने लिखा। इसमें क्या आप लोग का डिस्क्राइब किया है यहाँ पे आप लोग का जितने भी 12 डायमंड्स थे इंडिया में, वो कहाँ गुम हो गए या लॉस्ट हो गए, ये सब के बारे में।
द नेक्स्ट है 14, रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड के विनोद कुमार यादव, ये तो आपको पता ही है। द नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट पेमेंट जो एक बैंक है उसके सीईओ अभी चुने गए सुरेश सेठी, और पेमेंट पेटीएम के पेमेंट्स एक बैंक है उसके सीईओ अभी चुने गए सतीश कुमार गुप्ता। द नेक्स्ट है 16, ऑथर ऑफ द बुक INPAX सिनका, इंपैक्ट सिनका, ये बुक के ऑथर है समीर सरन। 17, फोर्थ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये अभी नए चुने गए, ये माइकल पत्रा है। आप लोग एक गवर्नर होते हैं देन उनको सपोर्ट करने के लिए चार डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, तो उन चारों में से एक है अभी आप लोग के माइकल पत्रा। देन नेक्स्ट है कबूस बिन सईद अल शहीद हैज़ डाइड, ये कहाँ के सुल्तान थे, ये ओमान के सुल्तान थे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ओमान के सुल्तान हो जाएगा। द नेक्स्ट 19, पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट विकास सबनीस, इनका निधन हो गया। देन भिलाई स्टील इंडस्ट्री के आप लोग सीईओ अभी एम रवि है, और सीनियर सिक्योरिटी एडवाइज़र, देखिए सीनियर सिक्योरिटी एडवाइज़र इन द होम मिनिस्ट्री, ये के विजय कुमार है अभी रिसेंट। द नेक्स्ट है के सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसको दिया गया बीसीसीआई की तरफ से, ये क्रिस श्रीकांत को दिया गया। अब ये सी के नायडू कौन है आप लोगों को जान के रखना पड़ेगा, ये जो अभी आप लोग देख रहे हो ये हम लोग जितने भी ओडीआई खेलते हैं यानी कि वनडे इंटरनेशनल, ये पहले क्या थे 60 ओवर्स के खेला करते थे, और ये सब पहले टेस्ट क्रिकेट हुआ करता था। ओडीआई तो अभी जस्ट रिसेंटली आया 90s में आया, बट पहले सब टेस्ट क्रिकेट्स हुआ करते थे। तो इंडिया के तरफ से सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट के जो हमारे कैप्टन थे वो थे आप लोग के सी के नायडू। देन नेक्स्ट है मेहनत मिश्रा टेस्ट कैप्टन, हाँ यस टेस्ट कैप्टन, टाइप मत करो दोस्त मेरा ये प्रॉब्लम होता है, मेरे को पता नहीं होता मोबाइल में कैसे करेंगे इसे। देन नेक्स्ट है ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये रोहित शर्मा को दिया गया। देन नेक्स्ट है आपका 24, रेलवे स्टेशन हैज़ बीन कन्फर्ड विद ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट विद 5 स्टार, ये ईट राइट स्टेशन किसे दिया गया था, CST जिसे बोलते थे हम लोग छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को बोलते थे, बट उसमें अभी क्या आप लोग का एक नया वर्ड ऐड कर दिया गया महाराजा, तो ये है छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनस, और यही इंडिया का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है फ्रेंड्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड संजय गुप्ता को दिया गया, रुकिए थोड़ा सा ये इसको मैं साउंड को ऑफ कैसे करूँ, रुको आप लोग जितने भी है प्लीज़ कमेंट ना करें अभी। अब ठीक है। द नेक्स्ट है एम वेंकैया नायडू जो हमारे अभी वाइस प्रेसिडेंट है, ये जो एक नेशनल अवार्ड दिया गया एक्सीलेंस के ऊपर, ये किसे दिया गया, एम एस स्वामीनाथन को दिया गया। ये कौन है आप लोग के, इंडिया की तरफ से ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसे बोला जाता है, ये एम एस स्वामीनाथन को ही बोला जाता है, और वर्ल्ड में अगर बोलेंगे तो वर्ल्ड में नॉर्मन बार्लो को बोला जाता है। इसी कारण उन्होंने क्या ग्रीन रेवोल्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट किया था, और ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण ही उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। द नेक्स्ट है स्वच्छता दर्पण अवार्ड फॉर अडॉप्टिंग इनोवेटिव मेथड इन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये किसने जीता, इस बार उड़ीसा गवर्नमेंट ने जीता। देन 29, सरस्वती सम्मान, ये दिया गया आप लोग का सुदेव मोही को। देन आकाशदीप सम्मान, ये ज्ञान राजन को दिया गया। देन रुकिए 30, केरला कार्टूनिस्ट एंड सेक्रेटरी ऑफ केरला कार्टून अकेडमी वन द यूनाइटेड नेशन पॉलिटिकल कार्टून अवार्ड, ये कौन है, ये थॉमस एंथनी को दिया गया। द नेक्स्ट कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट अमंग द पीपल इन कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल कंजर्वेशन के लिए एक कैंपेन चलाया गया था, उसका नाम था आप लोग का सक्षम। द नेक्स्ट इंडिया और यूनाइटेड किंगडम एक कोलेबोरेशन कर रहा है, क्या रोबोट बना रहा है, रोबोट का नाम है आप लोग का पेपे, और ये रोबोट क्या एनकरेज करेगा, छोटे बच्चों को हाथ धोने के लिए एनकरेज करेगा। द नेक्स्ट है मोस्ट इनोवेटिव स्टेट, ये क्या इंडियन इंडेक्स के तरफ से रिलीज किया जाता है, ये आप लोग का नीति आयोग रिलीज करता है, तो मोस्ट इनोवेटिव स्टेट जो है आप लोग का कर्नाटका ही है, ऑफकोर्स वही होगा क्योंकि आप लोग का बेंगलोर वहीं पर है। देन नेक्स्ट है KVIC जिसे बोलते हैं हम लोग खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन्होंने एक नया प्रोडक्शन यूनिट इंट्रोड्यूस किया ये पटोला साड़ी के लिए, ये कहाँ पे किया, गुजरात में किया। देन नेक्स्ट है 35th, परसेंटेज ऑफ इंडियाज जियोग्राफिकल एरिया आर कवर्ड विद फॉरेस्ट एज पर द 16th
इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये ISFR जिसे बोलते हैं, हर दो साल बाद होता है। तो इंडिया का अभी जो है थोड़ा सा ग्रो किया है, ये 24.56% है इंडिया का स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। और इसके ऊपर ही मैंने आप लोगों के अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया था, अराउंड 5-6 मिनट्स का वीडियो था। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो चैनल में विजिट करके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा बाद में। द नेक्स्ट है 36, फाउंडेशन स्टोन ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ CRPF। CRPF का हेडक्वार्टर अभी कहाँ पे बनाया जाएगा? न्यू दिल्ली में। आप लोग का आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबका न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, बट CRPF का नहीं है। CRPF किसे बोलते हैं? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो उसी का हेडक्वार्टर आप लोग का न्यू दिल्ली में फाउंडेशन स्टोन किया। द नेक्स्ट 37, फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट कॉल्ड साइबर अवस्था, ये गुजरात में इंट्रोड्यूस किया गया। देन जापान के नया एम्पायर है नारोहितो, और पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर ने एक नया अवार्ड इनॉग्रेट किया या इंट्रोड्यूस किया। उस अवार्ड का नाम है गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज। ये कौन से गवर्नमेंट ने किया? पुर्तगाल में। देन नेक्स्ट है, हु ने 2020 को क्या कौन से ईयर से डिजिग्नेट किया? ये किया आप लोग का ईयर ऑफ नर्स एंड द मिडवाइफ से डेजिग्नेट किया। द नेक्स्ट है, एक कंट्री है होलैंड बोल के, होलैंड तो नहीं है, होलैंड उनका निक नेम है, द नीदरलैंड्स उनका ओरिजिनल नाम है। तो उन्होंने क्या किया, होलैंड और नीदरलैंड में बहुत कन्फ्यूजन खा जाते थे बाहर के लोग, तो ये क्या किया है, नीदरलैंड ने अभी उन्होंने अपना ये जो होलैंड नाम है उनका निक नेम है इसको ड्रॉप आउट कर दिया। अब ये कभी यूज़ नहीं करेंगे, ये सिर्फ द नीदरलैंड्स ही नाम यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट, ईरान के कासिम सुलेमानी को US के आर्मीज ने क्या बगदाद एयरपोर्ट में मार गिराया। द नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक है आप लोग का 102। रुकिए, ये हो क्या रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 102, एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल सोशलिटी मोबिलिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 76। देन इस बार जो 11th ब्रिक्स समिट हुआ आप लोग का ब्राज़ील में हुआ, और ये ब्राज़ील में जो हुआ उसका थीम था इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेशन इनोवेटिव फ्यूचर। और ये जो आप लोग का ब्रिक्स है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म अगर आप लोग को जानना है तो बस ये जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर है, वो सबसे देख लीजिए, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 2009 में, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, शंघाई चाइना में है। और ब्रिक्स के एक बैंक है, ब्रिक्स बैंक जिसे बोलते हैं, उसका ही नाम है आप लोग का न्यू डेवलपमेंट बैंक। द नेक्स्ट है, कोरोना जो आप लोग का अभी जिसके कारण मैं अभी आप लोग को लाइव क्लास करा रहा हूँ और जिसके कारण पूरा लॉकडाउन हो चुका है, तो ये कोरोना आप लोग का एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये वुहान शहर से स्टार्ट हुआ था, चाइना के। द नेक्स्ट है 47, इंडियन मोन्यूमेंट इन द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 7 अजूबे जैसे होते हुए ये शंघाई कॉरपोरेशन ने, इन्होंने क्या किया, 8 अजूबे वर्ल्ड के चूज़ किए हैं। तो इंडिया का एक स्टैचू यानी कि एक मोनूमेंट को सिलेक्ट किया गया, वो है आप लोग का स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैचू है, वो वर्ल्ड का अभी सबसे हाईएस्ट स्टैचू है। द नेक्स्ट है, रशिया इंडक्टेड एवंगर्ड हाइपरसोनिक मिसाइल। रशिया के पास ही एकमात्र हाइपरसोनिक मिसाइल है अभी, और किसी के पास नहीं है। तो रशिया के पास हाइपरसोनिक जो मिसाइल है उसका नाम है एवंगर्ड। द नेक्स्ट है, व्हाइट आइलैंड कहाँ पर है? ये न्यूजीलैंड में है। देन फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट लिग्नाइट बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट है, ये नई दिल्ली में है, तमिलनाडु में अभी नया स्टार्ट किया। और जितने भी आप लोग के ना, ये लिग्नाइट है क्या फ्रेंड्स, ये कोल है, कोयला का ही वो पोर्शन है। जैसे आप लोग कोयला होता है, इसमें आप लोग के कार्बन के कितने परसेंटेज होते हैं, जो सबसे अच्छा होता है उसे हम लोग एंथ्रेसाइट बोलते हैं, देन बिटुमिनस, देन लिग्नाइट, देन पीट होता है। तो हम लोग बिटुमिनस फॉर्म ऑफ यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे अब लिग्नाइट बेस्ड भी यूज़ करने लग गए हैं। तो आप लोग का लिग्नाइट बेस्ड सबसे पहला कौन सा बना? नेवली, जो आप लोग का थर्मल पावर प्लांट है, तमिलनाडु में है। देन नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास है, अभी उन्होंने एक नया ऐप लॉन्च किया है, मनी ऐप। इससे क्या होगा, जो अंधे लोग हैं ना, उन लोग को मोबाइल से ही पता लग जाएगा, ऐप से पता लग जाएगा उनके हाथ में कितने रुपए का कॉइन है या नोट है। तो ऐसे करके आप लोग को, सॉरी कॉइन नहीं, सिर्फ करेंसी नोट के बारे में पता लगेगा। तो ये मनी ऐप विजुअली इम्पैक्ट के लिए यूजफुल है। देन फोर्थ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हेल्ड होने वाला है, ये आप लोग का गुवाहाटी में हेल्ड होगा। देन कोनेरू हम्पी, हमारे चेस प्लेयर है, जैसे विश्वनाथन आनंद चेस प्लेयर है, वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है अभी, रैपिड चेस चैंपियन। देन नेक्स्ट है, सुनीता लकड़ा, ये हॉकी की प्लेयर है, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। देन मानव ठक्कर, ये टेबल टेनिस प्लेयर है, ये अभी वर्ल्ड में नंबर 1 चल रहे हैं। देन
यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं मैं बता दूँ, तो आप लोग ऐसे बोल देंगे मानव ठक्कर कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं या सुनीता लकड़ा कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, ऐसे करके चार ऑप्शन दे देंगे, आप लोग को मानना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। देन नेक्स्ट है हाफ, तो मैं हम पहुँच गए हैं और हाफ बाकी है। तो 56, नासाज प्रोग्राम टू मैप ग्लोबल स्नो वाटर इक्विपमेंट, ये जो प्रोग्राम है उसका नाम है स्नो एक्स। देन नेक्स्ट है हाँ, वर्ल्ड से वोमेन के तरफ से सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जो स्पेस मिशन करके आई है अभी रिसेंटली 382 या कितने दिन का करके आई, ये आप लोग के क्रिस्टीना हेमलॉक कोच है। देन नेक्स्ट रुकिए, फिफ्टी एट, इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ए 3500 किलोमीटर रेंज, ये न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, K4 बैलिस्टिक मिसाइल। क्वेश्चन आ जाता है K4 क्या चीज़ है, वही है केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है ये, इसे सबमरीन से आप लोग का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। देन नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन जो इसरो ने लॉन्च किया, इसरो का फुल फॉर्म अगर पूछ लेंगे तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप लोग का यही पूछ लेंगे कि इसके अभी हेड कौन है, आप लोग का KC-1 है, तो इन्होंने सबसे पहला सोलर मिशन अभी स्टार्ट किया है, इसका नाम आदित्य L1 रखा है। और नेक्स्ट है अमित शाह ने रिसेंटली एक नया बुक लॉन्च किया कर्म योद्धा ग्रंथ, ये किसके लाइफ के ऊपर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर है। देन बुक्स एंड ऑथर्स फ्रेंड्स, यहाँ पे लेट मी से इट नाउ, ये बुक राकेश मारिया ने लिखा, बैकस्टेज MS अलूवालिया ने लिखा, लॉन्ग ब्राइट रिवर लीज मोरी ने लिखा, रिलेंटलेस यशवंत सिंह ने लिखा जो हमारे फिनेंस मिनिस्टर थे पहले, देन एमनेस्टी ये अरविंद अधिका ने लिखा। देन नेक्स्ट है प्रेसिडेंट चुने गए ICSI के आशीष गर्ग चुने गए। देन उसके रुकिए 63, फर्स्ट मैसूर की मुस्लिम मेयर जो हम लोग की बनी है वो तस्नीम बनी है, करेक्ट। यहाँ पे आप नाम पूछ लेंगे पहली मुस्लिम मेयर कौन बनी है मैसूर की या कहाँ की बनी है तस्नीम, ये मैसूर की बनी है। देन तरनजीत सिंह सिंधु, ये इंडिया के तरफ से US के एनवी मतलब ब्रांड एम्बेसडर, नहीं एम्बेसडर जो बोलते हैं ना हाई कमिश्नर या एम्बेसडर बोलते हैं, तो इंडिया के तरफ से US में एम्बेसडर बने हैं। अब यहाँ पे इसको पढ़ना ज़रूरत है, हाँ फ्रेंड्स चार अच्छी तरह से पढ़ के रखिएगा, US के साथ किसका है, चाइना के साथ कौन है, UK के साथ कौन है और रशिया के साथ कौन है, और पाकिस्तान का पढ़ना चाहते हो पढ़ लीजिएगा, ये पांच आप लोग का अच्छी तरह से नाम पढ़ लीजिएगा कौन कहाँ पे है, और बाद बाकी जितने भी छोटे मोटे कंट्रीज़ में एम्बेसडर्स हैं उन लोगों को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है आप लोग का। देन नेक्स्ट है 65, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए अगर बोलेंगे तो कुमार मन्ना सिंह को दिया गया, और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के लिए बोलेंगे तो डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड को दिया गया। देन नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ये म्यूजिक अवार्ड है, तो ग्रैमी अवार्ड इस बार सब तीनों के तीनों बिली एलिश को दिया गया, ये जो एल्बम ऑफ द ईयर है व्हेन वी फॉल अस्लीप वेयर डू वी गो ये इसको दिया गया। देन रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बिली एलिश की बैड गाय को दिया गया, और वे सॉन्ग ऑफ द ईयर भी बिली एलिश के बैड गाय को दिया गया। देन नेक्स्ट है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये लिटरेचरी अवार्ड है, ये संजय कुमार को दिया गया, ये फ्रेंच अवार्ड्स फ्रेंच गवर्नमेंट ये अवार्ड देता है। देन टाइलर प्राइज, टाइलर प्राइज क्या है आप लोग का, एनवायरमेंट का नोबेल प्राइज इसे बोला जाता है, तो टाइलर प्राइज को, तो टाइलर प्राइज इस बार पवन सुखदेव को दिया गया। देन नेक्स्ट बाफ्टा अवार्ड, देखिए फ्रेंड्स फिल्म एंड इंडस्ट्रीज में आप लोग का क्या है, दो टाइप के अवार्ड्स होते हैं, पहला आप लोग का UK गवर्नमेंट देता है जो हाईएस्ट अवार्ड बाफ्टा अवार्ड होता है, और US देता है जो आप लोग का ऑस्कर अवार्ड होता है, या इसे हम लोग एकेडमिक अवार्ड भी बोलते हैं, तो ये बाफ्टा अवार्ड UK देता है। तो UK का बाफ्टा अवार्ड क्या है आप लोग का, बेस्ट फिल्म 2020 का किसको मिला 1917, और बेस्ट फिल्म जो नॉन इन इंग्लिश है ये पैरासाइट को मिला, ये कोरियन मूवी है। बेस्ट डायरेक्टर सैम मेंडिस जो जिन्होंने 1917 मूवी डायरेक्ट किया। देन लीडिंग एक्ट्रेस ये है रेनी जिलबर्ग, लीडिंग एक्टर ये है जैकिन फिनिक्स जो जोकर मूवी में जिन्होंने रोल किया। देन बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ब्रैड पिट है, मूवी का नाम था वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीडे, एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अगर बोलेंगे तो लॉरा डैन होगी। देन नेक्स्ट है मिस्टिक कलिंग का लिटरेरी अवार्ड, ये मनोज दास को दिया गया। देन देखिए यहाँ पे अब आप आ गया ऑस्कर अवार्ड्स, तो बेस्ट फिल्म जो है पैरासाइट है, ये सबसे पहला आप लोग का एशियन मूवी है जिसे आप लोग का अवार्ड दिया गया बेस्ट फिल्म के तरफ के लिए, और ये आप लोग का एक कोरियन मूवी है। देन नेक्स्ट है बेस्ट डायरेक्टर, ये बॉन हू
जोन हु को दिया गया, ये पैरासाइट मूवी इन्होंने डायरेक्ट किया था। देन बेस्ट एक्टर जो है जैकिन फिनिक्स है, बेस्ट एक्ट्रेस है रेनी जेलबर्गर है, बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल में ब्रैड पिट एंड बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल में लॉरा डैन है। फ्रेंड्स जो बाफ्टा अवार्ड है ना ऑस्कर अवार्ड है ना सब एकदम सेम सेम को ही मिलता है, एक दो हो सकता है कभी कभी चेंज हो जाते हैं बट हर साल ऐसे ही रहता है। द नेक्स्ट एनिमेटेड फिल्म सबसे बेस्ट कौन सा है अभी, टॉय स्टोरी 4 एंड इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री गली बॉय को दिया गया था। और ऑस्कर अवार्ड सबसे पहला सेरेमनी 1929 में हुआ था। द नेक्स्ट है झारिया जो आप लोग का झारखंड में है धनबाद के पास है, तो ये सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इंडिया का, ये ग्रीन पीस ने एक रिपोर्ट निकाला था सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इंडिया का। द नेक्स्ट है तिलहन मिशन गवर्नमेंट ने अभी इंट्रोड्यूस किया है किस लिए, आप लोग का सॉइल ए ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन के लिए। द नेक्स्ट 22वां लॉ कमीशन बैठ चुका है, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉ कमीशन के हेड कौन होते हैं या चेयरमैन कौन होते हैं, वो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, नहीं तो चीफ जस्टिस होते हैं किसी भी हाई कोर्ट के। देन नेक्स्ट है आप लोग का 75, आंध्र प्रदेश असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे बोलते हैं विधान परिषद। देखिए आप लोग का क्या है, स्टेट में दो होता है, एक विधानसभा जिसमें हम लोग चीफ मिनिस्टर बैठते हैं यानी कि विधानसभा, और एक होता है विधान परिषद। तो ये विधान परिषद अपर हाउस होता है, विधानसभा आप लोग का लोअर हाउस होता है, और ये विधानसभा सब जगह में है बट विधान परिषद आप लोग का अभी सिर्फ 5 जगह में है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है आप लोग का टोटल 7 जगह में था, आंध्र प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर ये कैंसिल आउट हो चुका है। और कहाँ कहाँ पे कैंसिल हो चुका है, इन सब जगह में पहले था और अभी ये सब कैंसिल हो चुका है, आप लोग का आंध्र प्रदेश में भी अब कैंसिल हो चुका है, तो देख लीजिएगा आप लोग का अभी सिर्फ 5 स्टेट्स में है। देन नेक्स्ट नीति आयोग ऑर्गेनाइज नॉर्थ ईस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कॉन्क्लेव 2020, ये आसाम में कॉन्क्लेव किया गया। देन नेक्स्ट है महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव्स मुंबई 24 आवर्स स्कीम, यानी कि क्या है ये 24 आवर्स दुकान खुले रहेंगे, ये स्कीम आदित्य ठाकरे के ने अभी जस्ट इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे बोला था ये। देन नेक्स्ट है इसरो विल सेंड ह्यूमनॉइड रोबोट व्योमित्रा, रुकिए व्योमित्रा जो है आप लोग का ह्यूमनॉइड एक रोबोट है ये स्पेस में भेजा जाएगा, ये आप लोग का नेक्स्ट अनमैन मिशन है, तो ये व्योमित्र आप लोग का इसरो की तरफ से भेजा जाएगा। द नेक्स्ट है 79, पाकिस्तान डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी टू बैटल मैसिव लोकस्ट अटैक। लोकस्ट अटैक जो आप लोग का झिंगूर के अटैक हुए थे तो इसके वजह से पाकिस्तान ने वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी इंट्रोड्यूस किया था, फिर उसके बाद क्या किया था चाइना ने उनको बतख दिया था ताकि वो लोकस्ट को अटैक को मैंने प्रिवेंट कर सके अपने देश को। द नेक्स्ट है 80th नंबर कॉमनवेल्थ के जो हम लोग का नेशंस है कॉमनवेल्थ के टोटल 53 मेंबर्स थे, अभी नया 54 मेंबर ऐड किया गया ये मालदीव। अब यहाँ पे क्या है री एडमिशन क्या हुआ, अभी 2 साल पहले ही इन्होंने क्या किया था कॉमनवेल्थ से निकल गए थे बट आप लोग का वापस ये मालदीव्स ऐड हो गए, आप लोग के 54th मेंबर बन गए। द नेक्स्ट है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो हम लोग FIH बोलते हैं, जो आप अभी जस्ट आप लोगों ने ऊपर में पढ़ा मनप्रीत सिंह को दिया गया आप लोग का इसका प्लेयर ऑफ द ईयर, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने क्या अनाउंस किया नेक्स्ट जो आप लोग का जूनियर मेंस वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया में होस्ट किया जाएगा। देन नेक्स्ट है इंडियन रेलवे आप लोग 100% इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, ये इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा 2024 तक। देन नेक्स्ट है 83, इंडिया सरपासेस US टू बिकम सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट। आपको क्यों नहीं होगा, फ्लिपकार्ट या अमेजन में जब भी आप लोग का सेल छोड़ते हैं तो 2 सेकंड में हम लोग को मोबाइल ही नहीं मिलता, तो ऑफकोर्स डेफिनेटली होना चाहिए, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है, फर्स्ट लार्जेस्ट अगर पूछ लेंगे तो वो चाइना हो जाएगा। देन नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स सेटिंग अप कंट्रीज 13th मेजर पोर्ट एट वधावन इन महाराष्ट्र, ये 13th मेजर पोर्ट होगा। देन RBI ने एक इंश्योरेंस डिपॉजिट जो हम लोग को होता है ये अच्छी तरह से आप लोग समझ जाइए, ये इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन है, तो RBI ने हाइक किया इंश्योरेंस ऑन बैंक डिपॉजिट 5 लाख रुपीज़, पहले ये क्या था 1 लाख सिर्फ था, मान लीजिए अगर कोई भी बैंक में आप लोग का 2 लाख पहले था उसमें, अब वो बैंक क्या होगा आप लोग का दिवालिया हो गया जो अभी PMC बैंक या एस बैंक हो रहा है, तो वहाँ पे आप लोग को क्या मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख रुपये तो आप लोग का फिक्स्ड है मिल जाएगा बट 1 लाख रुपये आप लोग का चूना लग गया, तो वही चीज़ क्या किया है RBI ने इसे अभी 5 लाख कर दिया। अगर आपका किसी भी बैंक में 4 लाख रुपए है तो 4 लाख के 4 लाख आप लोग के सेफ है, नो प्रॉब्लम, बट 6 लाख है तो आप लोग को अगर वो बैंक डूब गया तो आप लोग को 5 लाख ही मिलेगा और 1 लाख आप लोग का डूब जाएगा, तो ये हो गया आप लोग का सिक्योरिटी क्या चीज़ है। देन नेक्स्ट है फर्स्ट इंटरसिटी इलेक्ट्रिसिटी बस सर्विस, ये कहाँ पे
स्टार्ट किया गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, मुंबई टू पुणे में स्टार्ट किया। देन नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया टू होस्ट 11th इंडोर क्रिकेट वर्ल्ड कप, ध्यान से दीजिए देखिएगा 11th इंडोर क्रिकेट वर्ल्ड कप। देन नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया ओपन मैन सिंगल नोवाक जोकोविक ने जीता जो सर्बिया के प्लेयर है, और वोमेन सिंगल सोफिया केनिन ने जीता जो यूएस की प्लेयर है। देन नेक्स्ट है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल ऑल्सो कॉल्ड एज रूबी गुला हैज बीन चूजन एज मैस्कॉट ऑफ 36th नेशनल गेम्स टू बी हेल्ड इन ये गोवा में जो हेल्ड होगा। देन नेक्स्ट है बांग्लादेश ने इंडिया को बीट किया और अपना सबसे पहला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, कोई भी वर्ल्ड कप जीता फर्स्ट टाइम जीता बांग्लादेश ने। देन नेक्स्ट है ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया का रैंक आप लोग का 72 है। देन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 80th है। एंड देन आफ्टर इंग्लिश एंड मैंडरिन, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भाषा बोला जाता है मैंडरिन, उसके बाद इंग्लिश बोला जाता है, तो थर्ड नंबर में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोला जाता है वो आप लोग का अभी हिंदी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कभी भी पूछेंगे तो आप लोग का हिंदी होगा थर्ड नंबर में। देन मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ द वर्ल्ड फॉर लग्जरियस गुड्स, ये हांगकॉन्ग होगा। और नेक्स्ट है 95 एग्जीबिशन ऑन इंडियन इन हेरिटेज इन डिजिटल स्पेस, ये इनॉग्रेट किया गया आप लोग का न्यू दिल्ली में। देन गगनयान मिशन के लिए इंडिया की तरफ से फर्स्ट जो ह्यूमन स्पेस मिशन है ये गगनयान मिशन है, इंडिया की तरफ से 4 एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा और इलेक्ट हुआ इसको अभी, इनको अभी ट्रेनिंग रशिया दे रहा है। और फ्रेंड्स आप लोग बोलोगे तो इंडिया की तरफ से तो जा चुके हैं स्पेस में राकेश शर्मा, बट राकेश शर्मा जो है आप लोगों के इंडिया की तरफ से नहीं गए थे, वो इंडिया के थे, इंडियन ओरिजिन थे, बट वो नासा के तरफ से गए थे। तो इंडिया इसरो ने कभी नहीं भेजा, इसरो फर्स्ट टाइम भेज रहा है, उस मिशन का नाम है गगनयान मिशन और 4 लोगों को भेज रहा है। देन नेक्स्ट है जैसे गूगल का आप लोग का गूगल क्रोम पर आप लोग का वेब ब्राउजर है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर था बट वो ज़्यादा चल नहीं रहा था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने नया एक वर्जन निकाला, नया ब्राउजर निकाला, उसका नाम आप लोग का एज क्रोमियम रखा है, और एज क्रोमियम आप लोग का विंडोज़ और मैक दोनों में चलेगा। देन नेक्स्ट है वर्ल्ड का सबसे कंजेस्टेड सिटी जो है आप लोग का बेंगलुरु है, ऑफकोर्स होगा भी, वहाँ पे कोई भी ट्रैफिक रूल्स कोई ऐसा फॉलो ही नहीं करता। देन नेक्स्ट है आईसीआईसी बैंक ने एक नया टूल इंट्रोड्यूस किया आईबॉक्स जिसे बोलते हैं, ये क्या है 24x7 यानी कि 24 घंटे सातों दिन आप लोग का सेल सर्विस प्रोवाइड करेगा, ये कहाँ पर अपना मुंबई ब्रांच में। देन नेक्स्ट है 100 नंबर इंडियाज़ फर्स्ट वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स, ये कहाँ पर सेटअप किया गया, ये मेरठ में सेटअप किया गया उत्तर प्रदेश। और फ्रेंड्स और ज़्यादा नहीं है 11 तक ही है तो रुकिए थोड़ा सा। देन नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक ओपन इन, ये भोपाल में ओपन किया गया। देन नेक्स्ट है फर्स्ट महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर इंडिया ने कहाँ पे ओपन किया, ये नाइजर में ओपन किया, अफ्रीका में जो है नाइजीरिया। देन नेक्स्ट है कामाख्या कार्तिकेयन द यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब साउथ अफ्रीकाज हाइस्ट पीक माउंट अकंकागुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ जाता है, साउथ अफ्रीका हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। अब आप लोग बोलोगे हम लोग को फालतू में पूरा वर्ल्ड का जियोग्राफी पढ़ने का क्या जरूरत है, ऐसे नहीं होता, करंट अफेयर्स से आ जाता है आप लोग, इसलिए थोड़ा सा करंट अफेयर्स में जोड़ दीजिएगा। देन नेक्स्ट है ऑरेंज फेस्टिवल, ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल तानसेन समारोह, ये कहाँ पे हेल्ड किया गया, ग्वालियर में, क्योंकि तानसेन का जन्मस्थान या मृत्यु स्थान आप लोगों का ग्वालियर में ही है जो आप लोग का मध्य प्रदेश में। और एक मैं क्वेश्चन पूछ लूँ, तानसेन का जो आप लोग का ओरिजिनल नेम है वो क्या है, आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं कितनों को पता है। मैं आप लोग को हिंट दे रहा हूँ, लास्ट में आप लोग का पांडे है। देन नेक्स्ट है 106 बेंगलुरु एयरपोर्ट फर्स्ट इन इंडिया टू गेट डिसएबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट, ये ठीक है। देन नेक्स्ट इंडियाज़ बिगेस्ट रूरल टेक्निकल फेस्टिवल जो आप लोग का अंतरप्रभया 2020 है, ये कहाँ पे हेल्ड हुआ, तेलंगाना में हेल्ड हुआ। देन एनर्जी समिट वर्ल्ड का फ्यूचर एनर्जी समिट, ये अबूधाबी में हुआ। देन टीवी डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसे ट्रू नेट बोलते हैं, इंडिया ने डेवलप किया था। एंड जीनोबोट, ये थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि क्या है, ये वर्ल्ड का सबसे फास्ट लिविंग सेल हीलिंग रोबोट है, यानी कि ये खुद से, ये जो रोबोट है अगर किस इसको अगर कुछ भी खरोच आ गया या कुछ भी थोड़ा सा टूट फूट गया, ये खुद से खुद ही ठीक हो जाता है, ये सेल्फ हीलिंग है, यानी कि वुल्वरीन है ये। देन नेक्स्ट है 111 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन फ्रेंड्स, नासा का सुपर कैम टू स्टडी मिनरोलॉजी ऑफ ये मार्स, यानी कि मार्स में जो नासा का एक स्पेस मिशन गया है उसमें जो आप लोग का मिनरोलॉजी स्टडी करेगा उसका नाम है आप लोग का सुपर कैम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आप लोग को पूरा
करंट अफेयर्स फरवरी मंथ का कंपाइल कर दिया है, नेक्स्ट आप लोग का मार्च का कंपाइल करूँगा। आपको अगर मेरा सेशन पसंद आया, अब लेंदी तो हो गया होगा ही फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और ये PDF आप लोग का हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू। Yeah, sure.